सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। तो यार अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इतना क्रेज है कि लोगों को उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम लाए हैं आपके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के 10 डिफरेंट वेरिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं हर कैरेक्टर का एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता है अमेलकम यूनिवर्स में, ठीक वैसे भी यहाँ पर भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट मौजूद है जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। तो जैसे कि इसका नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये डीसी के डॉक्टर फेट और मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज का मिक्सअप है। अब इसमें इन्हीं दोनों की पावर होती है जिसे ये अब तक का सबसे पावरफुल स्ट्रेंज बन चुका है। और आपको पता होगा कि हमें बहुत जल्द अब डॉक्टर फेट भी लाइव एक्शन में दिखने वाला है। तो अब बात करते हैं अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज की। ये भी ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का बेटा होता है, लेकिन ये स्ट्रेंज को पहचानता तक नहीं है क्योंकि जब स्ट्रेंज की वाइफ उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो कुछ समय बाद स्ट्रेंज उस रियलिटी से एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वहां वोंग आता है और उसे सोर्सर ऑफ सुप्रीम बनाकर चला जाता है बिना किसी ट्रेनिंग के। तो अब बढ़ते अगले वेरिएंट की तरफ। तो अब जो डॉक्टर स्ट्रेंज आने वाला है वो डॉक्टर स्ट्रेंज है ही नहीं, वो है ब्रूस बैनर। तो एक कॉमिक स्टोरी लाइन में बैनर जो है वो हल्क से नफरत करता है जिसके कारण वो किसी भी तरीके से हल्क को अपनी बॉडी से अलग करना चाहता है, और इसमें वो मदद लेता है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे थोड़ी मिस्टिक आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं और फिर सोर्सर ऑफ सुप्रीम बना देते हैं। और सोर्सर ऑफ सुप्रीम बनने के बाद बैनर सबसे पहले तो हल्क को अपनी बॉडी से अलग करता है। अब अगले नंबर पर सर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज। अब दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वेरिएंट सोर्सर ऑफ सुप्रीम नहीं होता है और ना ही कभी इसने कमरताज से ट्रेनिंग ली है, और ये पूरे मल्टीवर्स में एक लौता डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने अपने हाथों को खुद ही ठीक किया है। तो इस स्टोरी लाइन में क्या हुआ था कि स्ट्रेंज अपना हाथ ठीक करने की कोशिश में मिस्टिक आर्ट से लेकर ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक की जितनी भी बुक्स होती है वो सब पढ़ लेता है, जिससे इसमें इतनी नॉलेज आ जाती है और बस उस नॉलेज के दम पर वो सब कुछ कर सकता है जो अपना स्ट्रेंज कर सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के अगले वर्जन पर जो कि है सर स्टीफन स्ट्रेंज। अब ये जो वर्जन है डॉक्टर स्ट्रेंज का ये दरअसल पास्ट से बिलोंग करता है। इसकी स्टोरी चलती है ईयर 602 में। तो अब बात करें इसकी पावर की तो वो बिल्कुल अपने स्ट्रेंज की तरह है, और अपने स्ट्रेंज की तरह ही इसकी भी तार मल्टीवर्स से जुड़ी है। इसने मल्टीवर्स को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। चलिए अब अपने अगले स्ट्रेंज की तरफ बढ़ते हैं जिसे कुछ इटर्निटी ने कहा था कि तुम अब तक के सबसे पावरफुल सोर्सर ऑफ सुप्रीम हो। ये इतना पावरफुल है कि एक बार वर्ल्ड के हल्क से भी भिड़ चुका है, और एक गैलेक्टस को तो इसने सिर्फ एक स्पेल में हरा दिया था, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कैप्टन मार्वल की तरह ओवर पावरफुल है। तो अब चलते हैं एक और स्ट्रेंज की तरफ जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखने वाला है, यानी कि डिफेंडर स्ट्रेंज। और ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट बाकी वेरिएंट से काफी ज्यादा अलग है, खास करके इसका कॉस्ट्यूम। तो बात करते हैं ये हमें कैसे दिखा था कॉमिक्स में। तो ये हमें सबसे पहले दिखा था 2011 में आई डिफेंडर सीरीज में। तो इसका डिफेंडर नाम ऐसे पड़ा कि कॉमिक्स में एक डिफेंडर नाम की टीम होती है वैसे ही जैसे एवेंजर्स है, और इसी कॉमिक के नाम के कारण इसे डिफेंडर स्ट्रेंज कहा जाता है। और इस बात की खुशी तो है ही कि हम इसे बहुत जल्द लाइव एक्शन में भी देखने वाले। तो यार आप चलते अगले नंबर पर। तो यार जब हम बात कर रहे थे डिफेंडर स्ट्रेंज की, तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी तो मूवी में है, तो क्यों ना आप उसकी ही बात कर ले। अब वैसे तो हमने वोटिव के एपिसोड में एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बताया था जो क्रिस्टन को बचाने के लिए इविल बन जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था कॉमिक्स में जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मदद मांगते हैं डोरमामो से, और डोरमामो उसे करप्ट कर देता है। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि काइसेलियस जो काम मूवी में कर रहा था वैसा ही कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कॉमिक्स में कर चुके हैं। ये कॉमिक्स वॉमिक्स सब छोड़ो, तो अब बात कर लेते हैं अपने नंबर वन स्ट्रेंज की, यानी कि हमारे एमसीयू वाले स्ट्रेंज की। तो आप सभी को पता ही होगा ये वो स्ट्रेंज है जिसने अर्थ की आधी पॉपुलेशन बचाने के लिए टाइम स्टोन थेनोस के हाथ में दे दिया था, क्योंकि अगर ये टाइम स्टोन थेनोस को नहीं देता तो थेनोस टोनी स्टार्क को मार देता, और अगर ऐसा होता तो उन लाखों पॉसिबिलिटी में से वो एक पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती जिसमें आयरन मैन आधी पॉपुलेशन को वापस लाता है। और अब ये पॉइंट काफी होगा डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर वन पर रखने के लिए। वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर वन पर रहने के लिए किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा नंबर वन पर ही है। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।